दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो अपने अनोखे रंग रूप से और अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे व्हाइट पीफोल के बारे में। पीफोल इसका नेटिव प्लेस इंडिया है, लेकिन जब ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया था तो उन्होंने पीफोल को दुनिया के हर कंट्री में एक्सपोर्ट किया था, जैसे कि यूरोप और अमेरिका। और व्हाइट पीफोल ज्यादातर रेन फॉरेस्ट के यहाँ पर पाए जाते हैं। और पूरे दुनिया में पीफोल की 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से 2 एशियाटिक होती है और 1 अफ्रीकन। और व्हाइट पीफोल को एक अल्बाइनो एनिमल माना गया है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे रेयर एनिमल्स में होती है। और व्हाइट पीफोल एक सर्वाहारी प्राणी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। और व्हाइट पीफोल ज्यादातर इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपॉड्स, एम्फीबियंस, फ्लावर्स और सीड्स को कंज्यूम करते हैं। और जंगलों में व्हाइट पीफोल का शिकार ज्यादातर टाइगर्स, लेपर्ड्स और मंगूस करते हैं। मेल पीफोल को पीकॉक और फीमेल पीफोल को पीहेन कहते हैं, और पीफोल की फैमिली को बेवी कहते हैं। और ऐसा माना गया है कि पीफोल ज्यादातर ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप में तकरीबन 5 से लेकर 10 पीफोल्स पाए जाते हैं, और उनके ग्रुप को पार्टी और मस्टर्ड कहते हैं। व्हाइट पीफोल जो एक अल्बाइनो एनिमल है, इसकी गिनती दुनिया के सबसे रेयर एनिमल्स में होती है। और व्हाइट पीफोल का व्हाइट होने की वजह यह है कि उनके जीन्स उनके डार्क पिगमेंटेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिनके वजह से उनके कलर्स ग्रो नहीं हो पाते। और फीमेल व्हाइट पीहेन इसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का होता है, और 3 से 4 हफ्ते के बाद वह तकरीबन 2 से लेकर 7 अंडे देती है। और ठीक 28 दिन के बाद उन अंडों में से बेबी पीचिक्स बाहर आते हैं, और जन्मते ही बेबी पीचिक्स का रंग पीला कलर का होता है, लेकिन जब वे मैच्योर होते तो उनका रंग ऑटोमेटिकली सफेद कलर का हो जाता है। फीमेल पीहेन को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 1 से 3 साल लगता है, और इसके विपरीत मेल पीकॉक को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 3 से 4 साल लगता है। और कुछ पीकॉक 1 से ज्यादा फीमेल पीहेन के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं, जिसे हम हैरम कहते हैं। पूरे दुनिया में व्हाइट पीकॉक की संख्या धीरे धीरे अभी कम होती जा रही है, क्योंकि इंसानों की वनों की कटाई और इंसान व्हाइट पीकॉक का शिकार करके उनकी आंखों को विक्टोरियंस और डेकोरेशंस में यूज करते हैं, और उनके पंखों को फैशन इंडस्ट्रीज और अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अभी के जमाने में व्हाइट पीकॉक सिर्फ कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं। व्हाइट पीकॉक तकरीबन 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और एक एवरेज व्हाइट पीकॉक की लंबाई तकरीबन 5 से 7 फीट की होती है, और वेट तकरीबन 3 से 6 किलोग्राम का होता है। फीमेल व्हाइट पीहेन की विंग स्पैन की लंबाई तकरीबन 80 से 120 सेंटीमीटर की होती है, और इसके विपरीत मेल पीकॉक की विंग स्पैन की लंबाई तकरीबन 120 से 107 सेंटीमीटर की होती है। और वैज्ञानिकों का यह माना गया है कि व्हाइट पीकॉक सिर्फ 10 से 25 साल तक ही जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेके बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।